सो टुडे वी आर डिस्कसिंग टेस्ट वन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। दो टेस्ट हो चुके हैं, पहला टेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इसका डिस्कशन वीडियो है। गाइस पहला क्वेश्चन हो गया, एनीबडी? इसका आंसर ये वाला होगा भाई, क्या बोला है इसने यहां पर? भाई बोलना पड़ेगा तुम लोगों को, वरना मैं ऐसी अपनी मस्ती में पढ़ाता रहूंगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। जब ये इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इधर की तरफ, एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। चल रहा है? जब ये यहां पहुंच जाएगा तो फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की तरफ। बोलो हां। बहुत दूर पे है, इन्फिनिटी पे है, तब भी एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो होगा, और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो भी एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो होगा। हाँ या ना? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें x इक्वल टू जीरो पे एक्सेलरेशन इन्फिनिटी बोल रहा है। इन्फिनिटी पे तो टेंडिंग टू जीरो बोल रहा है, लेकिन यहां पर इन्फिनिटी नहीं बोल रहा है एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया। ये वाला चल सकता है, ये वाले में गलती क्या है? डायरेक्शन चेंज नहीं करी उसने। बोलो हाँ। और x इक्वल टू जीरो पे भी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे तो कुछ एक्सेलरेशन दिखा रहा है। ये वाला बेस्ट फिट ऑप्शन है या नहीं है? यस सर। किस किस को चमका? राइट साइड भाई, एक्सेलरेशन एक्सेल यहां से छोड़ा, एक्सेलरेशन टेंडिंग टू जीरो है, वेलोसिटी भी इक्वल टू जीरो है, यहां पर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी, फिर यहां पर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगी, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, उसके बाद ये रिटार्डेशन चालू करेगा, वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगी। बोलो हाँ। और फिर ये रिटार्ड होता होता वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इन्फिनिटी पे। किस किस को ये बात हजम हुई है? हो गई या नहीं हो गई? यस सर। तुम्हें यस सर, तुम्हें पता है जो बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, सही है? बोलो हाँ। यस सर, बी ऑप्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। नेक्स्ट, ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड सी आर इन सेम मैग्नीट्यूड, बी पे कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी और पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑन इंफिनिटी और नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव हैं। नेक्स्ट, किसी को ये वाला टक टफ लग रहा है भैया, लेक्चर रिवाइज कर लेना। ये रॉड है, ये रॉड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए डी पे, ये 3D है, ये लैम्डा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, एक्स गोज फ्रॉम डी से लेकर 4D, तो ये आ जाएगा के लैम्डा, के लैम्डा माइनस 1/4D माइनस माइनस प्लस 1/D, तो ये आ जाएगा 3/4, 3/16, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। डन, गॉट इट और नॉट? हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी आसान है। वेलोसिटी इधर दे दो, अंदर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 2K lambda by R, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनटू चार्ज, दैट शुड बी m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V² / R, v आ जाएगा इससे अंडर द रूट ऑफ 2K lambda Q / m, टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πR/V, दैट विल बी 2πR/√2K lambda Q/√m, got it or not? ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अ रिंग ऑफ रेडियस r हैज चार्ज माइनस q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, अ चार्ज स्मॉल q शुड बी प्लेस्ड एट सेंटर so that electric field is zero at a distance r from the center of ring. तो मैं ये कहूंगा इस रिंग के कारण तो फील्ड हो जाएगी अंदर की तरफ, k q x हो गया r upon x square, that is r square plus r square, that is 2r square की पावर
3 by 2. That should be this field, that is K Q by R square. Kis kis ko chamak gaya? Yes, sir. ठीक है, मैच कर लेना आंसर. टू इन थिन इनफाइनाइट शीट्स, एक इनफाइनाइट शीट है, इस पे प्लस सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा है, फील्ड बिटवीन द स्पेस पूछा है, तो यहां पर फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और उसका कर देंगे डबल, क्योंकि इस नेगेटिव वाले के कारण उसकी तरफ होगी, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट, ये कह रहा है कि यहां पर एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट शीट पे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, इनफाइनाइट है. अब ये अजीब सी फील्ड बोल रहा है, दोनों तरफ अलग अलग बोल रहा है, इसका मतलब ये रहा होगा कि यहां पर कोई एक्सटर्नल फील्ड भी रही होगी. बोलो हाँ. तो यहां पर एक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो जाएगी ई एक्सटर्नल. बोलो. और यहां पर एक्सटर्नल तो वही रहेगी, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, और इधर हो जाएगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. तो यहां पर कह देना सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस ई एक्स शुड बी इक्वल टू 12, और यहां पे हो जाएगा ई एक्स माइनस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8. सिग्मा पूछा है, सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आ गया 4 एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज 4 एप्सिलॉन नॉट. डन. नेक्स्ट सर, वो नोट करना था. ओके, रुक जाओ, अंडू कैसे होता है भाई. हो गया? यस सर, एक मिनट गाइस, यहां तक का हो गया. नेक्स्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस 1 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 4. अच्छा, 1, 2, 4 है ऐसे. यहाँ पे चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, 1 पे है, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 पे है, फिर 4 पे है, फिर 8 पे है. नेट फोर्स ऑन 1 कूलम कितना होगा? पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ये हो जाएगा के, 1 माइक्रो कूलम बाहर आ गया, 10^-6 बाहर आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 1/1 स्क्वेयर प्लस 1/2 स्क्वेयर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर. चलेगा? यस. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसको लिख देना 9×10^9. गॉट इट? इनटू चार्ज कर दो 1 कूलम, तो ये आ गया तुम्हारा 9×10^-3, और ये क्या बन गया भाई, 1 + 1/2 स्क्वायर, इसको लिख देना 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, इसे लिख सकता हूँ ना, इसे 1/2 स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ, टिल इंफिनिटी. कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर हो गया, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 1/(1 - R), 1 - 1/4, दैट विल बी 3/4, तो ये आ गया 4/3 इंटू आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, प्लस 3 है ना, क्या बकवास कर रहा हूँ, इंटू 9×10^3, तो ये 1000 हो गया, 3 3 4 3, 12000 आंसर है. डन, हो गया. अरे जीपी का क्वेश्चन था, जीपी का, इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो लेस देन 1, 11वीं क्लास में भेज दूंगा. 4 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ ABCD, इफ द फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ CD इज 0, देन Q बाय Q इज कितना? बकवास क्वेश्चन. कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर है LLLL, एक पे रखा Q, एक पे रखा -Q, एक पे रखा 2Q और एक पे रखा Q, और ऑर्डर में होता है ये नाम, तो ये A, ये B, ये C, ये D. ये कह रहा है फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ CD 0 होना चाहिए. CD के मिड पॉइंट पे फील्ड कैसे निकलेगी भाई? CD के मिड पॉइंट पे एक तो हो जाएगी Q वाले के कारण इधर, 2Q वाले के कारण इधर, हाँ या ना? तो सीधा लिख दूंगा, नेट हो गई इधर की तरफ कितना, के क्यू बाय एल स्क्वायर बाय 4. चलेगा? ये तो किसकी हो गई, इसकी और इसका रिजल्टेंट, सीधा ही बोल दिया मैंने. और इस क्यू वाले के कारण ऐसे,
और इस माइनस क्यू वाले के कारण इसकी तरफ, सही है। ये एंगल ले लो थीटा, ये एंगल ले लो थीटा, तो ये हो जाएगा 2e sin थीटा, 2e cos थीटा, y वाला तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, चमक रहा है किसी को? तो दैट विल बी 2 kq बाय, ये l बाय 2 है, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, दैट्स 5l स्क्वायर बाय 4, 5l स्क्वायर बाय 4, तो 5l स्क्वायर बाय 4, ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया l बाय 2 और हाइपोटेन्यूज हो गया इसका रूट 5l बाय 2, चलेगा? ये क्वांटिटी इसके बराबर कर देना, डन एवरीबॉडी, आगे बढ़ूं? यस। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 केजी चार्ज 1 मिली कूलम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद वेलोसिटी 10। अच्छा जी, अब बात क्वेश्चन कर, ये कह रहा है इसको वेलोसिटी दे दी ऊपर की तरफ 10, और इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली दे दी, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा q, q है 10 की पावर माइनस 3, QE, E कितना है 10 की पावर 4, तो ये हो गया 10 न्यूटन इधर लग रहा है, और नीचे भी फोर्स लग रहा है mg, तो इसका मतलब इसकी, और मास है 2 किलो, तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन हो गई इसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और इधर एक्सेलरेशन हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। किस किस को ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ये एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, जिसमें जिसमें वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है 10, और इसकी इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ है 10, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन है 5। बोलो हाँ, ये कुछ ऐसे जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वाई एक्सिस से निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ जाएगा 2 इंटू यू बाई 10, तो ये तो आ गया 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट पूछ लिया, वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, दैट इज 100 बाई 2 इंटू 10, दैट्स गोइंग टू बी 25, 5 मीटर मैक्सिमम हाइट, 5 मीटर हो गई, टाइम ऑफ लाइट 2 सेकंड हो गया। रेंज कैसे निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में 0 है, तो सीधा सेकंड इक्वेशन लगा दो, हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी 10 मीटर, तो रेंज हो गई 10 मीटर, डन, ए बी सी आंसर हो गया। एक मिनट बस, फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है गाइस? 3 सेमी इनफाइनाइट रॉड चार्ज्ड आउट ऑफ विच वन इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है माइनस लैम्डा, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हाँ या ना, आर केप्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ, सो दैट द फाइनाइट एंड्स आर लोकेटेड एट एबीसी ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, नेट फील्ड एट द, अब तुम ये याद रखना फॉर्मूला क्या था पहले, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड का, सेमी इनफाइनाइट जैसे यहां से इंफिनिटी तक जा रहा है यहां से, और इस पे लैम्डा चिपका दूं, तो यहां पर दो कंपोनेंट होते थे, के लैम्डा बाय आर एक्स कंपोनेंट एंड के लैम्डा बाय आर वाई कंपोनेंट, एग्रीड और नॉट? यस। तुम ये बता दो कि फील्ड अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे बनेगी, यहां पे बनेगी इस वाले लैम्डा के कारण ऐसे एंड अंदर की तरफ, बोलो क्यों? अरे ये रॉड बाहर से भी निकलती हुई आ रही है ना, बाहर से निकलती हुई आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो मेरी तरफ ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, ऐसे आ रही है, तो अब यहां पर कहीं देखूंगा तो कैसे होगा, ऐसे और ऐसे 3D में, बोलो हाँ, नहीं समझ में आया तो बोल दो, नहीं आया, हाँ किसी को नहीं आया, मुझे भी नहीं आया क्या बोल दिया मैंने, इधर देखो बड़ा कर दिया मैंने इसे, अब ट्राई मारें, ये प्लस लैम्डा है, फील्ड इसके कारण ऐसे होगी इस पॉइंट पे और अंदर की तरफ होगी, दोनों वैल्यू बराबर है, के लैम्डा बाय आर, इसको ऐसे सोचो ना 3D में, ऐसे सोचो ना, फिर मैं बार बार नहीं समझाएंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करवा रहे हो, मेरे को दिख रहा है ये है, यहाँ पे है, अब दिख रहा है,
इसके कारण ऐसे और ऐसे ना होगा, ये बना रहा हूं मैं। अब दिखा, नहीं समझ में आया? आउट ऑफ प्लेन माना है ना, ये मैंने आउट ऑफ प्लेन माना है। गॉट इट? अरे हाँ ना, मैं जवाब दे सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो बोल, तो नहीं आ रहा। सर एक बार दोबारा बता दो यार। ये वायर है, चार्ज लैम्डा है, तो यहां पर फील्ड कैसे हो जाएगी? इधर हो जाएगी और इधर नहीं हो जाएगी? ये तो समझ में आ रहा है सब इनफाइनाइट का। अब तुम्हें यहां पर वायर दिख नहीं रहा, ऐसे है ये वायर, अब दिख रहे हैं? यस। अब दिख गए पक्का? ना इधर हो गया, इधर हो गया, बी वाले के कारण इधर हो गया और इधर हो गया अंदर। सी वाला माइनस लैम्डा है तो उसकी तरफ हो गया और बाहर हो गया, ये भी सही है। एक अंदर और एक बाहर का तो कैंसिल कर देना। किस किस को कैंसिल कर देना? एक इस वाले को काट देना, एक इस वाले को काट देना। टेक्निकली एक अंदर बचेगा और ये वाला और ये वाला 120 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट 60 पे जाएगा और वो इसके अलोंग जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगी फील्ड के लैम्डा बाय आर अंदर की तरफ और एक हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर इधर की तरफ। किस किस को ये समझ में आया? यस। ठीक है। और ये ओ है और ये सी है पॉइंट। तो अगर देखा जाए तो कैसे होगी? अब साइड से देख लेता हूं, आंख यहां लगा देता हूं। तो आंख ऐसे लगाऊंगा तो कैसे दिखेगा मुझे? सी ऐसे है, ओ ऐसे है और ये ऐसे है। इधर वेक्टर हो गया 2e का और इधर वेक्टर हो गया e का, तो रिजल्टेंट बन जाना चाहिए रूट 5e। हाँ या ना? और OC से एंगल विद OC बोल रहा है, एंगल विद OC, तो एंगल विद OC इसको थीटा बोल दिया, टेन थीटा 1/2 हो गया, तो ये आंसर आ गया सी। आगे बोलिए। अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। हाँ, पूरे पेपर का यही अच्छा क्वेश्चन था और उसमें भी कुछ नहीं था, थोड़ा 3D में सोचना था। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बता दें, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना था, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना था, बट दिमाग लगाना तो मतलब क्या ही बताएं, मतलब आज की दुनिया में ना दिमाग लगाना ओवररेटेड हो गया है। क्या हो गया है? इधर देखो, ये रिंग है, ये रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है और यहां पर फील्ड आ गई इधर की तरफ, इधर एक मास रख दिया एम, तो इसको तो रिंग को तो फिक्स कर दिया, रिंग को तो फिक्स कर दिया। इधर लग रहा है QE, इधर लग रहा है MG, एग्रीड और नॉट? ये रेस्ट पे हो सकता है, नहीं हो सकता अगर QE और MG कट जाए तो? चमका या नहीं चमका? यस सर। तो QE और MG कट जाए तो इसका मतलब E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, E की वैल्यू आ जाएगी क्या? MG बाय क्यू। अब E की वैल्यू के लिए तुम x निकाल सकते हो, कैसा x? ये डिस्टेंस x निकाल सकते हो क्योंकि e की वैल्यू लिख देना kqx upon x square plus r square की पावर 3/2, kqx upon x square plus r square की पावर 3/2। Everybody getting this point? अब yes, याद sir. करो e as a function of x का जो ग्राफ होता था वो ऐसा होता था। तो e की कुछ वैल्यू आई, मान लो e की वैल्यू मान लो कुछ आ गई 10, तो ये जो e की वैल्यू आई है उसके लिए दो x आ जाएंगे, एक ये x1 और ये एक x2। क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला पॉइंट होता था r by root 2, तो एक एक दो रूट आ जाएंगे, एक x1 रूट आ जाएगा लेस देन r by root 2 वाला, एक x2 रूट आ जाएगा ग्रेटर देन r by root 2 वाला। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? x के दो रूट आ जाएंगे, सॉल्व तो करना ही नहीं क्वेश्चन, x के दो रूट आ जाएंगे, एक r by root 2 से कम आएगा, एक r by root 2 से बड़ा आएगा। हाँ या ना? अब ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का। अब ये ग्राफ पता है, अब मैं बताता हूं इसके अंदर आगे कैसे सोचना, आगे कैसे सोचना।
क्लियर करते हैं, दो रूट आ जाएंगे ऐसे, e की वैल्यूज के लिए दो रूट आ गए, एक x1 और एक ये पूरा x2। अब मान लो ये वाले रूट को देखूं, x1 वाले रूट को देखूं, किसको देखूं, x1 वाले को, तो यहां पर इधर लग रहा था QE और नीचे लग रहा था MG। अब मैंने यहां पे तो कट रहा था, इस वाले पॉइंट पे तो ये x1 था, यहां पे तो फोर्स जीरो थी। अब अगर मैं इसको ऊपर ले गया, अगर मैं इसको ऊपर ले गया, यहां ले गया, ऊपर ले गया मतलब x बढ़ा दिया, अगर मैंने x बढ़ा दिया तो ये x बढ़ गया, x बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए तो ये वाली फोर्स ज्यादा हो जानी चाहिए, ये उतनी रहनी चाहिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर चला गया। बोलो हाँ, इक्विलिब्रियम से ऊपर खिसकाया तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम से नीचे खिसकाया अगर, यहां खिसकाया तो मैंने कहा भैया इससे कम करा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई या नहीं हो गई एज कंपेयर टू एक्स वन, इसका मतलब ये फोर्स छोटी है ये फोर्स बड़ी है, एक्सेलरेशन नीचे चली जाएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम से खिसकाऊं तो वापस ना आए, वहां से दूर भाग जाए। व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से खिसकाऊं तो वापस ना आए, वहां से दूर भाग जाए। फिर हम ये कह सकते हैं दूसरे वाला पॉइंट x2 पे क्या होगा, x2 वाले केस में x2 पे QE और MG बराबर थे, QE और MG बराबर थे x2 वाले पॉइंट पे। अब मैं थोड़ा और ऊपर ले गया, अब मैं थोड़ा और ऊपर ले गया तो x2 और ऊपर ले गया तो यहां ले आया, यहां पर E छोटा हो जाएगा, ऊपर ले गए तो QE छोटा हो गया, MG बड़ा रहेगा, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगी, और यहां से नीचे ले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई तो ऊपर वाली फोर्स बड़ी हो गई, mg उतना ही रहा तो एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि डिस्प्लेस किया मैंने इक्विलिब्रियम से तो वापस आ जाए, तो वापस आ जाए, तो वापस आ जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, और वहां से डिस्प्लेस किया और दूर भाग जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था ये, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ग्राफ आना चाहिए, इन पॉइंट्स की वैल्यूज आनी चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि क्या किया है? Yes, sir. So this was previous year question. We are done with this. 14th क्या कह रहा है? A charge particle always moves along electric lines of force. It will move along electric lines of force. Not really. Not really. Why? अगर मान लो electric line of force curve है, rest से छोड़ा तो initially तो curve के along चलेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? Velocity आ जाएगी। तो वेलोसिटी के कारण एक तरीके से वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा, और कर्व हो रही है लाइन तो एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वो लाइन के अलोंग नहीं जाएगा, किसी और कर्व में नहीं चला जाएगा। बोलो हाँ, ये वाला वापस बता दो यार, ये लॉजिकल वाली बात है कि मान लो कोई कर्व है और चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मान लो, और मैंने यहां पर वेलोसिटी जीरो से छोड़ा, अभी फोर्स किधर लग रही है, इधर, तो एक्सेलरेशन भी इधर है, अब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी भी इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, हाँ या ना? अब थोड़ी देर बाद, अब ये स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करेगा ना वेलोसिटी के कारण, ये बात समझ में आई या नहीं आई? इट विल ट्राई टू गो इन द स्ट्रेट लाइन और नॉट? यस सर। तो अगर ये हल्का सा डिस्प्लेस होएगा तो आगे नहीं निकल जाएगा, अब एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगी, क्योंकि यहां पर जो फील्ड होगी उसकी अलोंग नहीं हो जाएगी, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन हो गई, मतलब ये पता चला ऐसे कर्व में जा रहा है, ऐसे कर्व में जा रहा है और एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, किसी कर्व में हो जाएगा, हाँ या ना? तो फील्ड लाइन के लॉन्ग तो नहीं चलेगा, मैं बताऊं फील्ड लाइन के लॉन्ग कब चलेगा? इफ बाय हाइपोथेटिकली आई क्रिएट अ रेजिस्टिंग मीडियम सो दैट इट ऑलवेज मूव स्लोली, समझ में आ रहा है? या दूसरा केस है व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्ट्रेट लाइन then it can move in the direction of electric field, हाँ या ना? ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर जब आपने force introduce करवाई थी तब आपने तो लिखवाया था कि it always acts on the direction of force। अरे भाई, इसने ये बोला कि it always acts in the direction of force, मतलब force always acts in the direction of field, ये कब मना कर रहा हूँ मैं? ये कब मना कर रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे है EFL, चलेगा, और यहां से पार्टिकल को वेलोसिटी जीरो से छोड़ूं, अभी तो एक्सेलरेशन इधर होगा,
अब थोड़ी सी आगे जाने के बाद वेलोसिटी भी आ जाएगी इसी डायरेक्शन में। अब इनर्शिया के कारण ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो थोड़ा आगे निकल जाएगा, और यहां पर फील्ड फिर मान लो इधर की तरफ हो गई, तो अब तो ई और वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल नहीं आ जाएगा क्या? तो कर्व में जाएगा नहीं जाएगा, और ये कर्व डिफरेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कर्व से या नहीं? Yes, sir. अब समझ में आया? तो अ चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव्स अलोंग फील्ड लाइन? नो, मे मूव, मे कब? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तब हो सकता है। एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि अगर वेलोसिटी इधर देके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे दो तो क्या बन जाएगा? पैराबोला। बात समझ में आई या नहीं आई? पैराबोला क्यों? ग्रेविटेशन वाली तो बात हो गई, mg की जगह qe by a लगा, m लगा दिया, xl g की जगह qe by m लगा दिया, हजम हुई बातें नहीं हुई है? yes, sir. चलो उसी से सोच लिया, और लो उसी से सोच लिया। अगर मान लो मैंने फील्ड इधर की तरफ दी, यूनिफॉर्म फील्ड दे दी और वेलोसिटी इधर दे दी, तो कर्व में ना जाएगा? बात समझ में आ रही है? फील्ड लाइन के लॉन्ग तो नहीं चल रहा, कब चल सकता है? स्ट्रेट लाइन हो और रेस्ट से छोड़ा हो। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली, बी सही है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि डी के अंदर अगर लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड है तो इट विल नॉट मूव अलोंग द लाइन ऑफ कर्व। बोलो हाँ, अब समझ में आई बात? Yes, sir. फिफ्टींथ ऐसे है, ये लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट ले लो एक्स कॉमा वाई, तो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, इधर फील्ड हो गई टू के लैम्डा वन बाय वाई, और इधर फील्ड हो गई टू के लैम्डा वन लैम्डा टू बाय एक्स, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे, और वो रिजल्टेंट हो जाएगा थीटा पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली ऐसे ऐसे होना चाहिए ना, टेन थीटा ये लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, गॉट इट और नॉट? टेन थीटा कितना हो जाना चाहिए? टेन थीटा हो जाना चाहिए लैम्डा वन बाय वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा टू बाय एक्स, चलेगा? दिस इज स्लोप, और लाइन ये बोली है इसने वन बाय वाई इज इक्वल टू एक्स बाय रूट थ्री, हाँ या ना? तो स्लोप कितनी हो गई? वन बाय रूट थ्री, और एक्स को लिख देना रूट थ्री वाई, एक्स को लिख देना रूट थ्री वाई, तो ये वाई कट गया, तो ये हो गया लैम्डा वन बाय लैम्डा टू इज वन बाय थ्री, थ्री आंसर होगा। नेक्स्ट, किस किस को चमक गया? अब ये मत कहना कि ये क्या किया आपने, ये क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन से स्लोप लिख दिया y इक्वल टू एम एक्स, एम होता है टेन थीटा, जिसको नहीं पता क्लास 11th, जिंदाबाद। नेक्स्ट, तो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन था, क्यों डाला था मैंने ये? इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड चार्जेस q इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, वट चार्ज सपोज माइनस क्यू रख दें, इस पर नेट फोर्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर बाई टू एल स्क्वेयर, इधर हो जाएगा के क्यू क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, इन तीनों का रिजल्टेंट डायगनल के अलॉन्ग हो जाएगा, दैट विल बी के क्यू स्क्वेयर बाई टू एल स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर का रूट टू, दैट शुड बी इक्वल टू यहाँ वाला फोर्स, दैट इज के क्यू क्यू बाई एल बाई रूट टू का स्क्वेयर। इससे कैपिटल क्यू निकालना, ध्यान रखना कैपिटल क्यू आंसर नहीं है, माइनस ऑफ कैपिटल क्यू आंसर है। बोलो हाँ, माइनस साइन का जिसने ध्यान नहीं दिया वो निपट जाएगा, देख लेना कौन सा ऑप्शन है, हो जाएगा? यस सर। और
फोर आइडेंटिकल चार्जेस, फोर एक सेकेंड आइडेंटिकल चार्जेस आर फिक्स्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ऐसी है ठीक है जी, साइड लेंथ एल ले लो ना, क्यू 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 क्यू, और थ्री डी में कह रहा है ये कि यहां सेंटर से ए डिस्टेंस पे फील्ड निकालो। अब मैं कह सकता हूं कि इस वाले के कारण फील्ड क्या होगी, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण ऐसे होगी ई एट थीटा, एट थीटा एंड दिस विल बी 90 डिग्री, हाँ या ना, और आंसर हो जाएगा 4e cos थीटा, 4e cos थीटा, समझ में आया कि नहीं आया। और ये ए नहीं है सॉरी, ये ए बाय रूट टू है, और ये भी ए बाय रूट टू है, ओ माय गॉड, ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, तो ये हमारा आ गया ए, ठीक है, और ये थीटा आ गया 45, ये तो और भी आसान हो गया। तो 4 times e दैट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर दैट्स ए स्क्वायर कॉस 45 इज 1 by root 2 एंड ये ए स्क्वायर है, के को लिख देना 1/4 pi epsilon naught, 4 से 4 काट देना, डन, 4e cos थीटा करके आंसर निकाल दिया। किस किस को चमका है, क्यू बाई रूट टू पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर, आई थिंक बी ऑप्शन है क्या, बोलो हाँ, यस सर, हो गया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन चाहिए, इधर की तरफ 45 डिग्री पे आ गया, इधर की तरफ 45 डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री है, ये होता था 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, साइन 90 बाय 2, साइन 45 हो गया 1 by root 2, और ये 2e cos 45 आंसर होना चाहिए, 2e तो ट्वाइस हो गया, e हो गया, cos 45 होता है 1 by root 2, तो ये हमारा 2 कट गया, ये कट गया, k हो जाएगा 1 by, तो ये आ गया 2 lambda by 4 pi epsilon naught r, लेकिन इसने कहा है चार्ज q के टर्म्स में लिखो, तो चार्ज q के टर्म्स में लिखो, तो हम ये कह देंगे ये चार्ज q है, तो q इज lambda इंटू पाई आर बाय 2, तो lambda को लिख दो 2q by πr, lambda को लिख दो 2q by πr, अब यहां से ना 2 2 जा 4 काट देना, ये आ गया q by pi square epsilon not r square, q by pi square epsilon not r square, डन, नेक्स्ट लिख लिया था, ये कह रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, बी इज राइट ऑफ ए हैविंग चार्जेस, ए पे चार्ज है 8 × 10⁻⁶, बी पे है −2 × 10⁻⁶, आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20, थर्ड चार्ज रखना है सो दैट फोर्थ जीरो हो जाए, आया ना, फील्ड जीरो करनी है। अब तुम ये बता दो बीच में तो हो नहीं सकती, क्योंकि बीच में तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी, 8 की इधर होगी −2 की भी इधर होगी, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, आया ना, यहाँ पर 8 की इधर होगी और −2 की इधर होगी, जीरो हो सकती है, यहाँ पर 8 की इधर होगी और −2 की इधर होगी, जीरो नहीं होगी, बताओ क्यों नहीं होगी, 8 से पास में हो और −2 से दूर हो, बड़े वाले चार्ज से पास में होगे तो 8 की हमेशा बड़ी ही होगी −2 वाली फील्ड से, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, आर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, गॉट इट और नॉट, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन आएगा, तो आंसर हमेशा टू द राइट ऑफ बी होगा, इस वाले केस में राइट ऑफ बी होगा। किस किस को ये पल्ले पड़ा है, नहीं समझ में आएगा तो अभी पूछो। यस सर, आगे उसके बाद मैंने कहा कि इधर इधर कितना हो गया 8 by 0.2 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दो और इज इक्वल टू 2 by x² कर दो, बोलो हाँ, 2 4 कर दो, रूट ले लो, ये आ गया 2x इज 0.2 प्लस एक्स, एक्स आ गया 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ बी, आगे बोलो, टू
टू पॉइंट चार्जेस रिपेल विद 100 न्यूटन, वन चार्ज इंक्रीज बाय 10, अदर रिड्यूस बाय 10. टू पॉइंट चार्ज, ये Q1 था और ये Q2 था, तो K Q1 Q2 बाय L स्क्वायर को इसने बोल दिया 100. अब ये कह रहा है नया चार्जेस में क्या किया, एक को इंक्रीज कर दिया 10%, तो ये हो गया 1.1 Q1. दूसरे को डिक्रीज कर दिया 10% से, ये हो गया 0.9 Q2 बाय L स्क्वायर. ये कितना हो गया, ये नया फोर्स हो गया, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 9.9 हो गया. नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास m कंटेनिंग अ नेट नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल कनेक्टेड टू वॉल थ्रू अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, देन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ओ, अब इधर देखो, पहली चीज तो ये रेस्ट पे है, अभी ये रेस्ट पे है, ये अकेला SHM नहीं पूछ रहा, ये मजे ले रहा है लिटरली हमारे साथ. ये कह रहा है माइनस क्यू है, फील्ड इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पे है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है. बोलो हाँ, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है. कहाँ पे जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे. फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा एक्स डिस्टेंस पे जहां पर के एक्स इधर लगेगा और क्यू वी इधर लगेगा, तो जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन वहां पे होगा जहां पर दूसरा एक्सट्रीम आएगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई क्यू ई बाय के और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी टू क्यू ई बाय के. समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि SHM तो मीन पोजिशन के अबाउट करेगा ना ये. हाँ या ना, बाय द वे अगेन प्रीवियस ईयर नीट एंड मीन क्वेश्चन, बहुत ही तुच्छे तुच्छे क्वेश्चन आते हैं. कैसे आते हैं, तुच्छे क्वेश्चन आते हैं. फाइव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन फाइव वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ एल. रेगुलर हेक्सागन में सबको पता है सारे अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, एंगल 60-60 होता है, ये सबको पता है. बोलो हाँ, ये होता है रेगुलर हेक्सागन, पता है, सब एल 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 होता है, साइड लेंथ एल होती है, अंदर जो ट्राइंगल बनते हैं वो भी एल होते हैं. एग्रीड और नॉट, पहले तो हाँ या ना में जवाब देंगे. अब ये कह रहा है अगर अगर इसने इसने कहा पांच पे क्यू रख दिया, एक दो तीन चार पांच, पांच पे क्यू रख दिया, साइड लेंथ एल है. अब ये कह रहा है सेंटर पे माइनस क्यू रख दिया. मैंने कहा रुक जाओ, इन पांच के कारण माइनस क्यू पे फोर्स पूछ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ. उसके बाद उठा लो इस फोन को, दोबारा बजेगा. यहां पे रख दिया, एक काम करते हैं यहां पर प्लस क्यू भी रख दो एंड माइनस क्यू भी रख दो. मैंने निकाटा, अपने आप कट गया था, ठीक है. अभी भी सिचुएशन में तो कोई चेंज नहीं आया. अब मैं ये कह सकता हूं इन छह के कारण सेंटर पे फील्ड कितनी होगी, जीरो. बोलो हाँ, तो फोर्स भी कितना होगा माइनस क्यू पे, जीरो. तो इसका मतलब जो ये वाला माइनस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, उसका फोर्स ही नेट बचेगा. तो ये फोर्स कितना बच गया, रिपल्शन बच गया लेफ्ट की तरफ, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. किस किस को ये चमका है, नहीं समझ में आया. पांच के कारण फोर्स बोला, मैंने कहा पांच के कारण नहीं निकालूंगा, सात के कारण निकालूंगा. किस कितने के कारण निकालूंगा, पांच की जगह मैं निकालूंगा सात के कारण, और सात के कारण जो फोर्स निकालूंगा उनमें से छह का फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि छह का सिमेट्री के कारण सेंटर पे फील्ड जीरो हो जाएगा. तो बचा जो मैंने एक्स्ट्रा नेगेटिव डाला था, उसके कारण फोर्स निकालना पड़ेगा. बोलो हाँ, हजम हुई बात या नहीं हुई है. हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन रिंग है, रिंग है, रिंग पे चार्ज क्यू है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर भी लगा दिया यहां पर, हाँ या ना. उसके बाद इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है. अब ये कह रहा है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड वायर कितना होगा. मैंने कहा वायर को एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स काट दो. अच्छा, आज पूरे पे तो जीरो हो जाएगा, पूरे पे तो जीरो हो जाएगा, इसने पूरा नहीं बोला होगा. पूरे पे तो इधर भी तो होगा फोर्स, इधर वाले पे इधर लगेगा, इधर वाले पे इधर लगेगा, वो कट के जीरो ना हो जाएगा. मैंने कहा रुक जा, आधा बोला होगा पक्का, बोला है ना आधा. बोलो, बोला है या नहीं बोला इसने आधा.
सो रहे हैं भाई, पढ़ने वढ़ने के मूड से आए हो या मतलब आवारागर्दी करने के मूड से आए हो बताओ। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस, कहां बोला इसने, आधा बोला होगा। वन ऑफ इट्स एंड्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है। अब यहां पर फील्ड हो गया, यहां पर छोटा सा चार्ज हो गया डी क्यू, इस पे फोर्स लगेगा डी क्यू इंटू ई, ये हो गया डी एफ, और सब वाले पार्ट्स पे डी एफ डी एफ ऐसे लगता जाएगा, सब फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 0 से लेकर इंफिनिटी इज फोर्स नेट। बोलो हाँ, किस किस को समझ में आया है, got it or not? Yes sir. Yes sir. करते रहना, अब ये मत कहना सर हमसे ना हो पाएगा, ऊपर लिख दो t dt, नीचे लिख दो t की पावर 3, तो एक सेकेंड, x square plus r square को t square लिख दिया, तो t cube आ गया नीचे, ऊपर t आ गया, तो 1/t² - 1/t आ गया, तो ये आ गया k lambda k q minus 1/ अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स को इन्फिनिटी डाला तो -1/∞ - -1/r, ठीक है, रेडियस r, तो ये आ गया लैम्डा के क्यू बाय r 4πε₀r लैम्डा q, ये आंसर है क्या, चेक करना सही है बच्चे सोच रहे हैं क्या कर दिया सर ने, टफ तो मैं कराता ही नहीं। नेक्स्ट, हाँ भाई, जस्ट फेल्स टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, मतलब मैक्सिमम हाइट डी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट डी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्पीड यू से फेंका, u square sin square theta by 2, g को लिख देना q e by m, बोलो हाँ, और half m u square को लिख देना kinetic energy, तो ये आ गया k upon 2 q e is d, I'm not even bothering check करना कि क्या option होगा, check करते रहना, चलेगा आगे, everybody, अरे हाँ ना में reply करोगे, yes sir। हाँ भाई, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पी ड्यू टू 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्जेस एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हैं, गॉट इट, अच्छा जी, ए ए ए पे निकालना है, पहले तुम सिर्फ जेड वाले का देखो, सिर्फ जेड वाले का देखो, जेड वाले के कारण फील्ड कैसे होगी, इस डायग्राम को ध्यान रखते हुए सोचेंगे, ऐसे है एक्स एक्सिस, ऐसे है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस ऐसे था ना, ये जेड एक्सिस पे लैम्डा है, और उसके कारण ये ए है, ये ए है, फील्ड ऐसे नहीं होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, और ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर हो जाएगा √2a, बोलो हाँ, ऐसे नहीं होगा इस पॉइंट पे, किस किस को ये चमक रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल क्या प्ले कर रहा है, रूट टू ए नहीं कर रहा, यस सर, अरे ऐसे वायर है, यहां पे पूछ रहा है डिस्टेंस कितना लूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा ना, ओरिजिन से थोड़ी लूंगा, यहां से लूंगा ना, इस पॉइंट से, इस रॉड से, यस सर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ये एक्स और वाई एक्सिस में बीच में है 45 डिग्री पे, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख के दिखाऊं, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट टू, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, अरे भाई x एक्सिस और y एक्सिस है, और मैं अगर यूनिट वेक्टर बना लूं 45 डिग्री पे, तो ये 1 है, तो इसको क्या बोल दूंगा, 1 cos 45, 1 sin 45, तो ये वेक्टर कितना हो गया, i कैप प्लस j कैप बाय रूट टू, हाँ या ना, तो मतलब मेरा फील्ड बन जाएगा 2k लैम्डा बाय रूट टू ए, एक बार बन जाएगा i कैप प्लस j कैप बाय रूट टू, एक बार बन जाएगा j कैप प्लस k कैप बाय रूट टू, और एक बार बन जाएगा k cap plus i cap by root 2, बोलो हाँ, yes sir, यहाँ पर i plus j plus k बन जाएगा, i plus j plus k,
और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 था, ये 4 के अंदर पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा सिर्फ, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय √2 √2 भी हट जाएगा, हाँ या ना? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आई जे के ऑप्शन. आगे बोलो. हाउ इज दैट गाइस? डन विद द पेपर? तुम लोग कह रहे हो कि ये पेपर थोड़ा टफ था. आई एग्री, थोड़ा टफ था, इतना टफ नहीं था. लेकिन लेकिन अगर कोई बच्चा इसको इस तरीके से दे कि मुझे मुझे नंबर लेने हैं, मेरा सिर्फ एम लाइफ में क्या है, नंबर लेना है, हाँ या ना? तो मैं छांटूंगा आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन छांटूंगा जिसके अंदर मुझे कुछ करना ना पड़े. पहले वाला भले ही उसको हिट ना करे, सेकंड हिट कर जाएगा, सेकंड हिट करेगा सेकंड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हो गया, मार्क कर लेते हैं. एक क्वेश्चन करने में लगे 15 सेकंड. कितने लगे? 15 सेकंड. 15 सेकंड में सेकंड क्वेश्चन हो गया, 15 सेकंड में तुम्हारे तीसरा क्वेश्चन हो गया, दो चौथा क्लास में कराया हुआ था, 15 सेकंड इसमें लग गया, एक मिनट लग गया, चलो हाँ या ना? Yes. एक मिनट इसको कराने में लग गया. तो मैंने कहा कि भाई 15-20 सेकंड में तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला भी क्लास में कराया हुआ था, हाँ या ना? सिक्स वाला भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, सेवंथ वाला भी फॉर्मूला बेस्ड था. कितने हो गए? 6 क्वेश्चन. अब तक के सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो टफ था. हाँ, पहले वाला जो, वो भी टफ नहीं था. पहले 7 में 6 हो जाने चाहिए थे, उसके बाद 8वां छोड़ दो, 8वां छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तो 9वां भी छोड़ दो, जीपी नहीं आता तो. कितने हो चुके ऑलरेडी? 6 हो चुके हैं, हाँ या ना? 6 हो चुके हैं, याद रखना 6 हो चुके हैं. 10वां सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम करना है रिजोल्व करके. कितने हो गए? 7 7. 11वां तुम्हें काइनेमेटिक्स नहीं आती, तुम्हें 2D नहीं आता, छोड़ दो. कितने हो गए? 7 7. ये तो बहुत ही गंदा था, ये तो बहुत ही गंदा था. 14 तो फंडे वाला था, 7 ये भी फंडे वाला था. 8 8 ये वाला हो जाएगा, 8वां हो जाएगा, 16th क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes sir. Yes sir. Got it or not? Yes sir. कितने हो चुके? 8 हो चुके. 9 9 9 हो गए, 9 हो गए, चलो 9. ये गंदा था, 17th गंदा था, 9 हो गए. ये क्लास में कराया हुआ था. 10 हो गए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 10 सिंपल क्वेश्चन. 11 हो गए, 11 हो गए, हाँ या ना? 11 सिंपल क्वेश्चन. चार्ज को 1.1 क्यू ले लेना है, और समझ में आया कि नहीं आया? कितने हो गए? 12 हो गए, ये तुमसे नहीं होगा. 13 हो गए, 13 हो गए हेक्सागन वाला, हाँ या ना? ये तुमसे नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा. 13 13 फोर जा कितना होता है? 13 13 into 4 52. अराउंड 50% तो आई गए यार. 50% लेने के लिए तो इसका मतलब तुम्हें कोई मेहनत करनी नहीं थी. 25 में से तुम कितने क्वेश्चन करके आ रहे हो? 13 करके आ रहे हो, 50% से ऊपर ही कर रहे हो टेक्निकली, हाँ या ना? किस किस को मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन सिलेक्शन शुड बी ग्रेट. जो बच्चों ने 7 8 12 नंबर मारे हैं उनको बता रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? 13 क्वेश्चन सीबीएसई वाला बच्चा भी करके आता है इस क्वेश्चन पेपर में, हाँ या ना? यस सर.